नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्णकालिक बजट में बिहार को मिली बड़ी सौगात। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों के लिए SMS अलर्ट की सेवा की शुरू। बिहार विधानसभा में बिना किसी बहस और ध्वनि मत के पारित हुए 3 विधेयक। शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा कर्मियों को लेकर जारी हुआ बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में पूरी की सुनवाई। जानिए पेश किए गए बजट में कहां से आते हैं पैसे और कहां होते हैं खर्च। श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम का 3 T20 मैचों के लिए प्रैक्टिस वीडियो आया सामने। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने जूनियर इंजीनियर समेत इन पदों पर निकाली भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 7000 से भी अधिक पदों पर आई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 अगस्त। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। आवेदन करने वालों उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। पूर्णकालिक बजट में बिहार को मिली बड़ी सौगात। बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्णकालिक बजट 2024 पेश किया। इस बजट में बिहार से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं। बिहार के लिए सीधे तौर पर करीब 58,900 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित करने की बात कही गई है। वहीं राजगीर को भी जैन तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाना है। को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में कई नए एयरपोर्ट्स खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेसवे समेत कई सड़कों का निर्माण होगा, ताकि प्रदेश के कई शहरों के बीच की दूरियां कम हो और ग्रामीण क्षेत्र का जुड़ाव शहर से सीधे हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों के लिए SMS अलर्ट की सेवा की शुरू। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों की सुविधाओं के लिए SMS अलर्ट सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के तहत किसी भी जमाबंदी अर्थात खेसरा या प्लॉट में होने वाले किसी भी संभावित परिवर्तन के प्रारंभ और संपन्न होने के संबंध में सूचना घर बैठे ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर अपना यूजर अकाउंट बनाना होगा। फिर SMS अलर्ट सेवा के अंतर्गत अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाना होगा। कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को कला प्रदर्शन के लिए सरकार दे रही बढ़िया प्लेटफॉर्म। कला संस्कृति से जुड़े संगीत, नाट्य और नृत्य कला से संबंधित संस्थाओं के कलाकारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बेहतर प्लेटफॉर्म पर कला प्रदर्शन करने वालों को प्रदेश सरकार सुनहरा अवसर दे रही है। इसके लिए आपको कला संस्कृति एवं युवा विभाग से जोड़ा जाएगा। फिर कुछ प्रक्रियाओं के बाद आपका चयन होगा और आपके साथ आपके संस्था को भी विभाग सूचीबद्ध करेगा। फिर इसके जरिए आपको बिहार के बाहर कला और संस्कृति के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आप 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पारंपरिक लोक नृत्य शैली के अंतर्गत झिझिया, झूमर, सामा चकेवा, जट जटिन, सोहर, बधाइया, खिलौना, डोमचक आदि के कलाकार हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में पूरी की सुनवाई। इन दिनों पूरे देश में नीट पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। अभ्यर्थी लगातार नीट की परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिस पर अदालत ने अब अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं करवाई जाएगी। इसका कारण बताते हुए CGI ने कहा कि जिन लोगों ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान कर पाना संभव है। आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। इस साल के लिए नए सिरे से नीट UG परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा। चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा और वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिसके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था।
राज्य सरकार के इस योजना के तहत युवाओं को सपना साकार करने का सुनहरा अवसर। प्रदेश के युवा अपना सपना साकार करने के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ ले सकते हैं। इसकी जानकारी आईपीआरडी बिहार द्वारा साझा की गई है। इस योजना के तहत युवक और युवतियों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भाषा संवाद और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आपने 12वीं पास किया हो, साथ ही आपकी आयु सीमा 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, आपने आगे की पढ़ाई नहीं की हो और ना ही आप कहीं अपनी पढ़ाई कर रहे हो। इस योजना का लाभ लेने वाले युवाओं को राज्य सरकार रोजगार की तलाश के लिए 2 वर्षों तक हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद भी देती है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-345-6444 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में इन सड़क परियोजनाओं का होगा विकास। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। हालांकि पूर्णकालिक बजट में बिहार को और भी कई नई सौगातें मिली हैं। इसमें बिहार की कई सड़क और हाईवे परियोजनाएं शामिल हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित किए हैं, जिसमें बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है। इन 3 एक्सप्रेसवे में पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर और बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा शामिल है। इन सड़कों के निर्माण से बिहार के विकास को एक नया आयाम मिल सकेगा। निबंधित और योग्य फार्मासिस्ट की पर्याप्त संख्या नहीं होने पर इस दिन होगी सुनवाई। राज्य में निबंधित और योग्य फार्मासिस्ट की पर्याप्त संख्या नहीं होने के मामले में पटना हाई कोर्ट 1 अगस्त 2024 को अगली सुनवाई हो करेगा। ये मुकेश और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई हो रही है। दायर हुई जनहित याचिका में कहा गया है कि निबंधित और योग्य फार्मासिस्टों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को पिछली सुनवाई के दौरान इस पर जवाब देने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा द्वारा अदालत को बताया गया था कि राज्य में लगभग 10,000 अस्पताल हैं, जबकि निबंधित फार्मासिस्टों की संख्या 600 से अधिक है। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टरों द्वारा लिखे गए पर्चे पर निबंधित फार्मासिस्टों द्वारा दवाई नहीं दी जाती है। शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा कर्मियों को लेकर जारी हुआ बड़ा आदेश। बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा पर रखे कर्मचारियों का वेतन समय पर किया जाएगा। यदि किसी कर्मी का वेतन उन्हें तय समय सीमा में नहीं मिलती है तो इसकी जिम्मेदार पदाधिकारी और आउटसोर्सिंग एजेंसी होगी और इनसे सूद सहित इनका भुगतान करवाया जाएगा। अपर सचिव संजय कुमार ने बताया कि विभाग में कार्यरत नियमित और आउटसोर्सिंग यानी संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की हमेशा इस मामले में शिकायत आती है। इनका वेतन बिना किसी समुचित कारण के लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, लेकिन अब यदि ऐसा होता है तो संबंधित पदाधिकारी या आउटसोर्सिंग एजेंसी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जानिए पेश किए गए बजट में कहां से आते हैं पैसे और कहां होते हैं खर्च। बीते दिन देश में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 48,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। इस बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मिडिल क्लास परिवार के लोगों पर खासा ध्यान दिया गया है। अगर आप बजट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बजट सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट के जरिए सरकार बताती है कि सरकार को किस क्षेत्र से या मद से कितने पैसे आने की उम्मीद है, साथ ही किस मद पर कितना पैसा खर्च किए जा सकते हैं। आज हम आपको इसके बारे में 1 रुपए के उदाहरण के साथ समझाएंगे। हम आपको बताएंगे कि सरकार के पास आखिर पैसे ये 1 रुपए आते कहाँ से हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 रुपए में 27 पैसे उधार और अन्य देनदारियों से आते हैं, वहीं 19 पैसे इनकम टैक्स से, जीएसटी और अन्य टैक्स से 18 पैसे, 17 पैसे कॉरपोरेट टैक्स से, सीमा शुल्क से 4 पैसे और 5 पैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आते हैं। वहीं गैर कर रसीद से 9 पैसे और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से 1 पैसे सरकार को मिलता है। फिर इस 1 रुपए में सरकार 19 पैसे ब्याज भुगतान के रूप में खर्च करती है, वहीं 8 पैसे केंद्र की तरफ से प्रायोजित योजनाओं में खर्च होते हैं, 16 पैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में, 8 पैसे रक्षा क्षेत्र पर, 6 पैसे सब्सिडी पर, 9 पैसे वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर पर, 21 पैसे टैक्स और शुल्क में राज्यों के हिस्से, 4 पैसे पेंशन के रूप में और 9 पैसे अन्य व्यय के रूप में खर्च किए जाते हैं। प्रोफेसर रामवचन राय ने विधान परिषद के उपसभापति के लिए किया नामांकन। बिहार विधान परिषद के उपसभापति के लिए प्रोफेसर रामवचन राय ने नामांकन किया है।
नामांकन के दौरान सीएम नीतीश और उप मुख्यमंत्री समेत और भी कई राज्य मंत्रिमंडल के लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि ये पहली बार बिहार विधान परिषद के सदस्य वर्ष 2004 में बने थे। दूसरी बार मनोनीत सदस्य के रूप में वर्ष 2014 में ये एमएलसी बने। प्रोफेसर रामवचन राय के पास बिहार विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्यों के रूप में लंबा अनुभव रह चुका है। बिहार सरकार चला रही दस्त की रोकथाम अभियान। बिहार में 23 जुलाई से दस्त अभियान शुरू हुआ है जो 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसकी जानकारी आईपीआरडी द्वारा साझा की गई है। यहां बताया गया है कि दस्त भगाने के लिए ओआरएस का घोल और जिंक की गोली सबसे कारगर है। दस्त से बचाव के लिए स्वच्छ पानी पीना, हाथों की सफाई करना और शौचालय का प्रयोग करना जरूरी है। इस अभियान के तहत आशा द्वारा 5 साल तक के बच्चों को घरों में जाकर ओआरएस का पैकेट निःशुल्क दिया जाएगा। डायरिया या दस्त के दौरान शरीर में पानी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। स्थिति बिगड़ने पर आप अपनी नजदीकी आशा दीदी या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से घर में ये सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा सबसे बेहतर। आजकल कई लोग सुरक्षा के लिहाज से अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सीसीटीवी होने के बाद भी चोर आराम से चोरी करके निकल जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कैमरा खरीदने के दौरान टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया जाना, जिस वजह से आपके सीसीटीवी कैमरे की परफॉर्मेंस खराब रहती है। इसलिए जब भी सीसीटीवी कैमरा खरीदे तो इसके नाइट विजन यानी रात के समय में भी कैमरा अच्छी क्वालिटी में सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, इसका ध्यान रखें। कैमरा के मेगापिक्सल साइज पर भी ध्यान देना जरूरी है। 4 से 8 मेगापिक्सल वाला सीसीटीवी कैमरा खरीदने पर उसमें चेहरे साफ और अच्छी क्वालिटी के दिखाई देंगे। जेस्चर मोशन वाले कैमरे खरीदते हैं तो चोर भी कैमरे की नज़र से नहीं बच पाएंगे। इसके अलावा 360 डिग्री मोशन वाले और अलार्म नोटिफिकेशन पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिहार विधानसभा में बिना किसी बहस और ध्वनि मत के पारित हुआ 3 विधेयक। बीते दिन बिहार विधानसभा में 3 विधेयक बिना किसी बहस और ध्वनि मत के पारित किए गए हैं, क्योंकि संशोधन पेश किए जाने के बाद भी सदन से विपक्ष वॉकआउट कर गए थे। इन विधेयकों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2024 में शिक्षक की भर्ती सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के तहत लाने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 2017 में एक अधिनियम के जरिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत रिवाइव किया था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान में आयोग विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में नियुक्तियां करता है। बिहार सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी प्रकार के शिक्षकों की भर्ती करने का अधिकार नया विधेयक आयोग को देता है। वहीं बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड विधेयक 2024 दूसरा विधेयक है जो इंटरमीडिएट शिक्षा को समाप्त करने के निर्णय से अहम बन गया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में। ये विश्वविद्यालय बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा बाजार में है। इसका पूरा नाम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक सार्वजनिक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ आपको कई तरह के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी। पिकनिक के लिहाज से ये जगह सबसे अच्छा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रैंप वॉक करती नजर आएंगी बिहार की काजल। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिहार की बेटी रैंप वॉक करती नजर आने वाली है। दरअसल मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए पटना की काजल चौधरी का चयन हुआ है, जिसके बाद काजल अब बिहार का प्रतिनिधित्व ब्यूटी पेजेंट में करने वाली है। इसके लिए काजल बीते 2-3 सालों से लगातार मेहनत कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। एक समय था जब इनका वजन 86 किलो था और इसके लिए लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे। हालांकि अब इनकी मेहनत रंग लाई है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बिहार की शोभा बढ़ा रही है। आज 32 से 34 डिग्री के बीच अधिकतम तापमान की है संभावना। एक बार फिर से प्रदेश में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कुछ जिलों में मौसम शुष्क रहने के साथ पछुआ हवा की स्थिति बने रहने की संभावना है। आज राज्य के पश्चिमी भाग में या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना है। वहीं प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है।
1130 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार में शराब की तस्करी के लिए तस्कर एक से एक नए पैंतरे अपना रहा है। इसी कड़ी में छपरा में भी उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर मसरक तरैया रोड में 5 लाख की शराब जब्त की है। करीब 1130 लीटर विदेशी शराब को कार से बैकलाइट के अंदर छिपाकर लाया जा रहा था। इस मामले में कार के ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुआ चालक समस्तीपुर का रहने वाला है। पूछताछ में तस्कर ने बताया है कि वो कुशीनगर से शराब लेकर समस्तीपुर बेचने के लिए जा रहा था। सीमेंट प्लांट का भूमि पूजन करने वारिसलीगंज जाएंगे सीएम नीतीश। उद्योगपति अडानी समूह की तरफ से वारिसलीगंज में चीनी मिल के जमीन पर अंबुजा सीमेंट ग्रेडिंग यूनिट की स्थापना होने वाली है। इसके लिए 29 जुलाई को सीएम नीतीश वारिसलीगंज पहुंचकर वहां भूमि पूजन करेंगे। कंपनी के AGM प्रभात श्रीवास्तव ने इसे लेकर बताया है कि चीनी मिल की जमीन को बियाडा के माध्यम से अडानी समूह ने लेकर अंबुजा सीमेंट का ग्रेडिंग यूनिट की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए बिहार राज्य के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा 29 जुलाई को भूमि पूजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्लांट को करीब 72 एकड़ जमीन में 1400 करोड़ की रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की तरफ से 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट के बाद विपक्षी लगातार हंगामा कर रहे हैं। इसी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ट्विटर के जरिए शायराना अंदाज में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि एक घिसा पिटा हट है, ये बजट जुमलों की रट है, ये बजट गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है, ये बजट आम आदमी के दिल पर खंजर है, ये बजट। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। केंद्र सरकार के बजट पेश होने के बाद सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार का पूर्णकालिक बजट पेश किया है। जदयू लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग कर रहा था। अब बजट पेश हो जाने के बाद इस पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम नीतीश ने कहा है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार मांग कर रहे थे। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर विपक्ष का विधानसभा में जोरदार हंगामा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिए जाने पर बिहार विधानसभा में विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है। बीते दिन विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में अध्यक्ष के आसन के नजदीक विपक्ष ने खूब नारेबाजी की। इस दौरान केवल 2 प्रश्नों का जवाब ही हो सका। 11 बजे विधानसभा शुरू हुई थी और कुछ समय बाद ही 12 बजे तक के लिए सभा को स्थगित कर दिया गया। फिर दोबारा विधानसभा की कार्यवाही शून्यकाल से शुरू हुई, लेकिन फिर सदन की कार्यवाही महज 15 मिनट में ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि इसे शांत करवाने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। इस दौरान कुछ सदस्य तो झुंझुना लेकर भी पहुंचे थे। इस हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिनके समय सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को खारिज किया गया था। श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम का 3 T20 मैचों के लिए प्रैक्टिस वीडियो आया सामने। भारतीय टीम ने 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका रवाना हो चुकी है। बीते दिन भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में नए हेड कोच गौतम गंभीर की निगरानी में T20 सीरीज की तैयारी शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। इस वीडियो में भारतीय टीम क्रिकेट स्टेडियम में जमकर अपना पसीना बहाती नजर आ रही है। ये वीडियो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा शेयर किया गया है। वीडियो में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के अलावे मोहम्मद सिराज, रियान पराग और रिंकू सिंह भी नजर आ रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1932 में रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1989 में लोकसभा में विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। आज के दिन वर्ष 2000 में एस विजय लक्ष्मी शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। आज के दिन वर्ष 1937 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2004 में इटली ने भारतीय पर्यटकों के लिए 7 वीजा काल सेंटर शुरू करने का फैसला लिया था। सोशल मीडिया पर रेल हादसे का वायरल हो रहा ये वीडियो। सोशल मीडिया पर रेल हादसे के एक पुराने वीडियो को हालिया समय तक
का बताकर झूठे दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। मुंबई में ट्रेन के पटरी से उतरने का ये वीडियो करीब 9 साल पुराना है, इसलिए इस तरह की खबरों को आगे शेयर करने से बचें। इस वीडियो को किसी एक्स यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी शेयर करते हुए मामले की पुष्टि की है और इसे 9 साल पुराना बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन है तात्या टोपी, ऑप्शन है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भोजपुर, ऑप्शन सी है रोहतास, ऑप्शन डी है कैमूर। इसका सही उत्तर है भोजपुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी है 20 जुलाई, ऑप्शन सी 19 जुलाई, ऑप्शन डी 21 जुलाई। इसका सही उत्तर है 20 जुलाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ है, वे कहाँ की थी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है ओडिशा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है, संजीव कुमार, राजीव कुमार, नुन्नू, गोलू कुमार, सादुल्ला पालवी, कृष्णा प्रसाद, अनिल पांडे, सुमन गुप्ता, शंकर कुमार, अनवर करीब खान, राजू कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप केंद्र सरकार के जारी किए गए 2024-25 के पूर्णकालिक बजट से संतुष्ट हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।